आज हम पढ़ रहे हैं मेजरमेंट के बारे में कि मेजरमेंट क्या होता है। ये टॉपिक है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का। अब यदि मेजरमेंट की बात करें तो मेजरमेंट क्या होता है कि हमारे पास कोई एक्चुअल वैल्यू है और कोई स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है। यदि हम उन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करें और रिजल्ट देखें तो उसे हम बोलते हैं मेजरमेंट। तो मेजरमेंट में एक्चुअल वैल्यू और स्टैंडर्ड वैल्यू को कंपेयर किया जाता है। अब इस वैल्यू को मेजर करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है उसे बोलते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इसमें अब यदि हम इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट की बात करें तो तीन बेसिक क्वांटिटीज होती हैं। पहला होता है वोल्टेज, दूसरा करंट और तीसरा पावर। मेन तीन क्वांटिटीज होती है जिन्हें हमें मेजर करते हैं और इनकी सहायता से हम दूसरे पैरामीटर्स भी मेजर कर पाते हैं, ठीक है। तो हमें यदि इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है तो हमें जनरल इन तीन चीजों के बारे में पढ़ना होगा कि करंट कैसे मेजर की जाती है, वोल्टेज कैसे मेजर किया जाता है और पावर कैसे मेजर किया जाता है। तो यदि हम देखें कि जो करंट है उसको मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, तो हमने एमीटर के बारे में पढ़ा है जो क्या काम करता है, करंट को मेजर करता है। और वोल्टमीटर क्या करता है, वोल्टेज को मेजर करता है। और पावर मेजरमेंट के लिए हम काम में लेते हैं वॉटमीटर्स। अब यदि इन इंस्ट्रूमेंट को काम में लेना है तो इनकी कुछ रिक्वायरमेंट भी होगी कि क्या रिक्वायरमेंट होगी कि जो भी हम क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उस पे उससे इफेक्टेड नहीं होने चाहिए या उसका उस इंस्ट्रूमेंट का उस क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो ये है। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है कि जो इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जा रहा है उसके द्वारा जो पावर कंजप्शन है वो जीरो होना चाहिए, ठीक है। क्यों, जो क्वांटिटी मेजर की जा रही है उसकी वैल्यू जो है डिफर करेगी एक्चुअल वैल्यू से यदि जो इंस्ट्रूमेंट है वो अलग से कोई पावर कंज्यूम कर रहा है तो। अब हम देखते हैं कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे तीन टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट और मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट। इन तीनों इंस्ट्रूमेंट के बारे में यदि हम देखें तो जो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सिर्फ स्टैटिक कंडीशन के लिए, स्टेबल कंडीशन के मेजरमेंट के लिए काम में आते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो स्टैटिक और डायनेमिक दोनों के लिए काम में लिए जाते हैं। पर जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है उनका जो रिस्पॉन्स टाइम है, मतलब कितने टाइम में वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, मेजर करके क्वांटिटी दे रहे हैं, वो बहुत कम होता है, क्विक रिस्पॉन्स टाइम होता है, ठीक है, कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब हमें इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही क्या है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। तो इसमें यदि हम देखें तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में मैंने पहले भी जो बात की स्टार्टिंग में कि तीन क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए मेनली हम फोकस करते हैं, फर्स्ट करंट, सेकेंड वोल्टेज और थर्ड पावर। तो इन तीनों के बारे में मैंने बता दिया कि करंट एमीटर से मेजर करते हैं, वोल्टेज वोल्टमीटर से और वोल्टमीटर द्वारा पावर मेजर की जाती है, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि इलेक्ट्रिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो कितने टाइप के होते हैं, उनको कैसे किस बेस पे क्लासिफाई करते हैं, उनके प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के दो टाइप हैं, एक है एब्सोल्यूट टाइप और दूसरा है सेकेंडरी टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इसमें एब्सोल्यूट टाइप और सेकेंडरी टाइप के बारे में आगे पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं आगे कैसे क्लासिफाई हो रहे हैं, कितने टाइप्स में हो रहे हैं। सेकेंडरी टाइप जो इंस्ट्रूमेंट है वो दो टाइप में आगे और क्लासिफाई किया जा रहा है, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। इसमें एनालॉग इंस्ट्रूमेंट को भी आगे दो टाइप्स में क्लासिफाई किया है, डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट और नल डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। और डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट को कितने टाइप में किया है, तीन टाइप में, इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग और रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। इन सब के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे और इनके बारे में देखें इनका प्रिंसिपल।